सरदार पटेल के बारे में मौलाना आजाद लिखते हैं कि एक बार जब मीटिंग चल रही थी तीनों की, तो सरदार पटेल और गांधी के बीच बहुत तीखी बहस हुई और सरदार पटेल बहुत ऊंची आवाज में उनसे बात करने लगे। तो मौलाना आजाद लिखते हैं कि मैंने सरदार पटेल को रोका। मैंने कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो उससे बापू को तकलीफ पहुंचेगी। तो सरदार पटेल उठ खड़े हुए, ऐसा मौलाना आजाद लिखते हैं, और उठकर जाने लगे। तो मैंने तो मौलाना आजाद ने उनसे कहा, वो लिखते कि मैंने उनसे कहा कि सरदार अभी आपको बॉम्बे नहीं जाना चाहिए, दिल्ली में आपकी जरूरत है। तो सरदार पटेल ने कह दिया गांधी के मुंह पर, बोला मैं दिल्ली में रुककर क्या करूंगा, मैं बॉम्बे जा रहा हूं क्योंकि बापू ने तय कर दिया है कि वह हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं।